लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर जीरो से नीचे जेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रिंगती क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है, और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो डाकू भी हो लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है। हाँ, वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं क्योंकि बंदा ताबेदार है। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे, जिनकी नौकरियां थी वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा रोजगार हो बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। गरीब दवाई, बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोपियन मुल्कों ने, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान के जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी लेकिन किसी के कान पे जू इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा। और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों आवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया लेकिन अब कोई ना FIA, ना NAB, ना JIT, ना ही कोई अदालत क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे ना लायक, दुनिया का सबसे ना अहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है।